हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज खैरवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट उदयपुर। ऑनलाइन क्लासेस के इस क्रम में आज हम लेकर आए हैं कलर साइकिल, कि कलर साइकिल किस तरह से बनाया जाता है और हमारे प्राइमरी कलर्स कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ प्राइमरी कलर से, प्राथमिक रंगों से। हमारा पहला प्राथमिक रंग है रेड, दूसरा प्राथमिक रंग है येलो और तीसरा प्राथमिक रंग है ब्लू। तो रेड, रेड, येलो और ब्लू, ये हमारे प्राइमरी कलर्स है, प्राथमिक रंग है। प्राइमरी कलर्स या प्राथमिक रंग इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन रंगों को बाकी रंगों के मिक्सअप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। लेकिन इन रंगों को आपस में मिलाकर हम अन्य रंग बना सकते हैं, जैसे कि द्वितीयक रंग या तृतीयक रंग या अन्य प्रकार के रंग। तो आइए हम इन प्राथमिक रंगों से को मिक्स करके आपस में और इनसे सेकेंडरी कलर्स, द्वितीयक रंग और टर्शियरी कलर, तृतीयक रंग बनाते हैं। सबसे पहले मैं प्राथमिक रंग अपना जो रेड है इसको लेता हूँ। प्राथमिक रंगों में ये हमारा पहला रंग है रेड। दूसरा प्राथमिक रंग लेता हूँ मैं येलो। ये हमारा दूसरा प्राथमिक रंग है येलो। तीसरा कलर मैं लेना चाहूँगा प्राथमिक रंगों में, वो है ब्लू। तो ये हमारे प्राथमिक रंग है लाल, पीला और नीला, रेड, येलो एंड ब्लू। अब हम इन रंगों को आपस में मिक्स करके और द्वितीयक रंग बनाते हैं, सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं। सबसे पहले हम रेड और येलो को बराबर मात्रा में लेंगे, तो कौन सा कलर बनेगा? ये मैंने लिया रेड, येलो। ये लिया मैंने रेड। दोनों को लगभग समान मात्रा में ले आपस में मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है ऑरेंज कलर। अब हम लेते हैं रेड और ब्लू को। रेड और ब्लू को आपस में बराबर मात्रा में लेकर मिक्स करने से हमें जो रंग प्राप्त हुआ है वो है पर्पल। अब हम ब्लू और येलो को मिक्स करते हैं, देखते हैं कौन सा कलर बनता है। ये लिया हमने येलो और ये लिया हमने ब्लू। तो जो रंग हमें प्राप्त हुआ वो है ग्रीन।
इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुख्य जो रंग है या प्राइमरी जो कलर्स है रेड येलो और ब्लू, इनको हमने आपस में मिक्स किया तो हमें तीन और नए रंग प्राप्त हुए हैं जो है ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन। तो इस तरह से तीन रंगों को हमने आपस में मिक्स किया और हमें इस तरह से कितने रंग प्राप्त हो गए, छह रंग प्राप्त हो गए। अब आते हैं हम तृतीयक रंगों पर। तृतीयक रंग किन्हें कहते हैं? प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को अगर हम आपस में मिक्स करते हैं तो जो नए रंग हमें प्राप्त होंगे उनको तृतीयक रंग कहते हैं। तृतीयक रंग छह प्रकार के होते हैं। आइए हम तृतीयक रंग बनाते हैं। यह हमने रेड और ऑरेंज को मिक्स करके तृतीयक रंग बनाया है। दूसरा चलते हैं, रेड और पर्पल पर। हमने रेड और पर्पल को मिक्स करके एक और तृतीयक रंग प्राप्त किया है। अब हम चलते हैं पर्पल और ब्लू पर। ये हमारा तीसरा रंग हो गया। अब हम आगे चलते हैं ब्लू और ग्रीन पर। ये हमारा चौथा रंग प्राप्त हो गया है। अब हम चलते हैं ग्रीन और येलो पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्राथमिक रंग जो हमारे पास थे लाल, पीला और नीला, उनको हमने समान मात्रा में लेकर आपस में मिक्स किया तो हमें तीन और नए रंग प्राप्त हुए जो कि है ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन। तो इस तरह से ये ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन क्या है? सेकेंडरी रंग है, क्योंकि दूसरी बार मिक्स करने पर इनको हम प्राप्त कर रहे हैं दूसरे लेवल पर। उसके बाद सेकेंडरी कलर्स या द्वितीयक रंग जो है उन्हें हम प्राथमिक रंगों के साथ मिक्स करते हैं तो हमें छः और नए रंग प्राप्त होते हैं जो कि ये आपके सामने है। तो इन छह नए रंगों को हम क्या कहेंगे? टर्शरी रंग या तृतीयक रंग। तो इस तरह से ये टोटल जो रंग हमारे पास प्राप्त हुए हैं ये 12 हो रहे हैं। 6 तो ये हो रहे हैं और 6 ये हो रहे हैं। तो इस तरह से टोटल शेड्स कितने हो गए? 12 कलर्स या 12 शेड्स हमने प्राप्त किए हैं। और ये कहाँ से प्राप्त किए हैं? सिर्फ प्राथमिक रंगों से। इसके बाद भी
ये तो हमारा मुख्य कलर साइकिल की बात हो गई। इसके बाद भी हम और अनेक सारे कलर बना सकते हैं अगर हम इन रंगों को और आपस में मिक्स करें या फिर वाइट या ब्लैक का इस्तेमाल करें इनमें आपस में, तो हमें कई सारे रंगों के टोन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रंगों के बारे में एक मुख्य नॉलेज थी। पेंटिंग करने में रंगों का बहुत महत्व होता है और रंग किस तरह से बनाए जाते हैं या किस तरह से उनका सिलेक्शन किया जाता है, तो इसका ज्ञान आपको होना आवश्यक था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप इस कलर साइकिल को घर पे बनाइए और नए नए रंग बनाने का आनंद लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।